संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरियंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगर मकाऊ, ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम हुआ है। सारसा, सारसा संस्कृत का वो शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो शर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है
ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पर उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।